अपने सत्य स्वरूप को पहचाने और उस परम ज्योति लाइट परमात्मा को पहचाने और चुनौतियाँ जो जीवन में आती है उन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़े। किस तरह से ब्रह्मा बाबा का जीवन, उनके जीवन पर आधारित पिक्चर हम सबके लिए आज भी एक प्रेरणादायक है। सबसे अच्छा जो अध्यात्म शिक्षा की ओर से बताया गया है, पवित्रता के बारे में बताया गया है, सच्चाई के बारे में बताया गया है, इसे हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। बाबा आज भी हमारे बीच में हैं और उनका हम सबको आशीर्वाद मिलता है और सदैव उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा हम सबको। कहते हैं ना, अन्यायी और राक्षस लोग हर युग में थे, तंग करते थे, उन्होंने इतना तंग किया, उसके बाद भी हमारा एक आश्रम स्थापित हुआ और जिसके माध्यम से बाबा लेखराज ने एक अपनी टीम के गठन किया ब्रह्मा कुमारी इसका, और लोगों को गीता जी में बताए राजयोग और कर्मयोग के माध्यम से एक शांति देने का प्रयास किया। सब बच्चों को देखना चाहिए, बहुत अच्छा, बाबा से ज्ञान लेना चाहिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। लोगों को बहुत भ्रांतियाँ रहती है कि जो पिक्चर में भी आया विषय कि भ्रांतियाँ रहती है क्या होता है, तो वो एक चीज़ दिखाया गया है और इतना अच्छी तरीके से चित्रण किया गया है। और जो शिव बाबा के बारे में जो जानकारी लोगों को नहीं थी, एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। मैं चाहूँगा कि पब्लिक देखे, और अभी दीदी से पता चला कि मंगलवार को भी 200 यहाँ पे आयोजित हैं, तो 200 अगर 200 मंगलवार को भी है, तो मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जरूर निवेदन करूँगा सभी लोग आगे इस पिक्चर को देखें। ब्रह्म कुमारी के बारे में कई लोगों को बहुत भ्रम था कि ये परिवार को छोड़ने को बोलते हैं, खाली अध्यात्म के लिए बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पिक्चर देख के ही समझ में आता है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी शांति के लिए ब्रह्म कुमारी में जाता है, और बाबा जो हैं वो चाहते हैं कि परिवार कभी भी टूटे नहीं, सब साथ में चलें पर सत्य के मार्ग पर चलें, यही इस पिक्चर में दिखाया गया है।